Now I am going to start question number 11 from the same exercise 1.1 so that the relation R in the set A of points in a plane given by R is equal to PQ such that distance of the point P from the origin is the same as the distance of the point Q. That means origin से कोई point है यदि यह ऐसा है origin से point यदि यह 0 0 origin है तो यहाँ यदि point है यहाँ पर एक Q point है और एक यहाँ पर P है तो ये दोनों सेम है यानी कि दैट मीन्स कहता है कि OP इक्वल टू OQ सेम. तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिविटी के लिए भी क्या चाहिए PP बिलोंग्स टू R चाहिए. इसका मतलब हो रहा है कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द distance of point Q from the origin. That means ये P और Q है PP belongs to R हो जाना चाहिए दोनों में इमेज एक ही है. यदि PQ यहाँ से सेम है मान लेते हैं कि यह 5 यूनिट्स है यह भी 5 यूनिट्स है तो यहाँ पर कहाँ दिक्कत आ रहा है कि OP इक्वल टू OQ दैट मीन्स 5 ही आ रहा है 5 यूनिट्स आ रहा है तो इसीलिए यह जो OP इक्वल टू OQ है इसका सेम इमेज बन रहा है यानी कि 5 बन रहा है. सपोज क्या मैंने ले लिया तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन. सो यहाँ पर इट इज क्लियरली PP बिलोंग्स टू R हेंस कह सकते हैं कि R इज रिफ्लेक्सिव. अगेन सिमेट्री के लिए चलें फॉर सिमेट्री के लिए क्या होगा द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन. ये तो सेम मैंने लिखा फिर इसका क्या हो जाएगा आप इसको उलट के लिख दीजिए द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q P की जगह Q कर देना है फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q की जगह P हो जाएगा फ्रॉम द ओरिजिन. इसका मतलब क्या हुआ कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट जो बनाया यानी कि PQ यदि बिलोंग्स टू R है तो ऑब्वियस क्या बनाना चाहिए QP belongs to R बनाना चाहिए QP belongs to R बनाना चाहिए जो कि P से Q का जितना दूरी है उतना ही दूरी Q से P का है अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनेशन अकॉर्डिंग टू दिस गिवन कंटेंट द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q. P से Q की जितनी दूरी है P से यहाँ पर उतना ही दूरी Q से P का है. यदि ये P और Q मान लेते हैं तो P से Q की जितना दूरी है उतना ही दूरी Q से P की है. कहने का मतलब सेम है यहाँ पर P और Q का डिस्टेंस यदि सेम है यानी कि कोई प्लेस हम इंटरचेंज कर दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है P से Q की जितनी दूरी है उतनी ही Q से P की दूरी है यानी कि दोनों बिलोंग्स टू R करा रहा है हैंस R इज सिमेट्रिक. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ट्रांजिटिविटी के लिए. ट्रांजिटिविटी में क्या होता है यह देखेंगे और इक्विवेलेंस रिलेशन यह हो जाएगा. यदि ट्रांजिटिविटी भी आ जाता है तो यह क्या हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा. तो कहने का मतलब ट्रांजिटिविटी में क्या होगा हम क्या करेंगे नाउ लेट हमको मानना पड़ेगा पी क्यू और एक और ले लेते हैं पी क्यू और पी के बाद पी क्यू आर ले लेते हैं पी क्यू आर बिलोंग्स टू आर करा जाता है यानी पी क्यू है क्यू आर है तो ऑटोमेटिकली पी आर बिलोंग्स टू आर होना चाहिए. यहां पर क्लियर हो गया कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एंड क्यू फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ
पॉइंट क्यू एंड आर, ये दोनों सेम दूरी पर काम करेगा, यानी कि जितना पी से क्यू है उतना क्यू से आर है। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एंड क्यू फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू एंड आर। तो क्या कह सकते हैं यहां पर, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, अब क्या हो जाएगा पी आर हो जाएगा, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एंड आर, पी एंड आर फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम। सो दैट इज कह सकते हैं कि यहां से पी क्यू एंड क्यू आर हो गया तो ऑटोमेटिकली पी यहां पर पी आर है, पी आर बिलोंग्स टू आर, यानी कि ये आर तो रियल नंबर के लिए है यहाँ पर, और ये आर इन द सेट है, रिलेशन है, इसके लिए आ रहा है, इसलिए ये आर इसके लिए है। या आर जगह क्या आप एस भी ले सकते हो, टी भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ पर आ रहा है तो एस बदल सकते हैं, टी बदल सकते हैं, तो चलो बदल ही देते हैं तो सही रहेगा यदि हम इसको क्यू एस कर देते हैं, तो क्यू एस कर देंगे तो पी क्यू हो गया एंड क्यू एस हो गया, और फिर यहाँ पर पी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एस फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम, सो पी एस बिलोंग्स टू आर, हेंस क्या हो जाएगा आर इज ट्रांजिटिव। अब देयरफॉर जब तीनों कंडीशन हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए, ट्रांजिटिव भी हो जाए, तो देयरफॉर गिवन रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एक क्वेश्चन का और पार्ट है इसमें, वो देखेंगे। क्वेश्चन का पार्ट क्या कहता है कि फर्दर सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट पी इज नॉट इक्वल टू जीरो जीरो इज द सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट पी विथ ओरिजिन इज द सेंटर। उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी मान लेते हैं कि ये है और यहाँ पर ओरिजिन जीरो जीरो हम ले लेते हैं, जीरो जीरो ले लेते हैं, या इसे मान के चलते हैं इसको इस तरह से, और ये सर्किल पास करा दिए यहाँ पर, ओरिजिन ये है और जीरो जीरो ले लिया मैंने ओरिजिन, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से जब हम सर्कल से कोई भी पास कराएंगे और के डिस्टेंस पर ये रहे तो इसका मतलब ये जितना भी होगा ये सभी क्यू डिस्टेंस पर होगा, यही कहता है, जितने भी सेट हैं इसका सब इसी डिस्टेंस पर, यानी कि जितना भी ये है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स कहता है ओरिजिन से क्या होगा रिलेटेड होगा, यानी कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स बनाएगा, उसमें कोई ज़्यादा लिखना नहीं है, ये आप इसको यहाँ से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट बताऊँगा और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 या 14 में से कोई एक और बताना है, 12 या 13 में से, उसके बाद आप एसडब्ल्यू बनाएंगे और फिर यह वीडियो खत्म हो जाएगा, कल से होगा तो कल या परसों से फंक्शन में हम लोग स्टार्ट करेंगे।